So hello and welcome to my channel Shining Star Solos with you. This is Harshita Sharma और आज मैं आपसे history paper 2020 के जो solutions हैं वो discuss करने वाली हूँ. You can tell your solution by watching this video. And before that, I want to thank that person जिन्होंने मुझे question paper भेजा. So thank you Ashika for sending me the question paper. अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के सॉल्यूशंस. वेल द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज धोलावीरा साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड. द आंसर ऑफ इट इज ए गुजरात. सेकेंड आंसर इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. लुक इट विल बी बेटर कि मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता दूं, वरना क्वेश्चन के साथ टैली करूंगी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, सो सेकेंड आंसर इज दिस इज सेट नंबर वन. सेकेंड आंसर इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और करके एक क्वेश्चन था जिसमें यह था कि एक बुक का नाम था, उनके ऑथर बताने थे. हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बुक थी तो उसका आंसर है एस एन रॉय. थर्ड में एक इमेज दे रखी थी, उस टेम्पल का नाम बताना था, सो दैट इज कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा. एंड आफ्टर दैट इज हुवर बोधिसतास. तो बोधिसतास का आंसर है ये, बोधिसतास वर दोज कंपैशनेट बींग्स हु एक्यूमुलेटेड देयर मेरिट टू हेल्प अदर्स एंड नॉट टू अबंडन द वर्ल्ड. एंड और करके इसके साथ क्वेश्चन था हु वॉज वॉल्टर इलियट. सो वॉल्टर इलियट वॉज द कमिश्नर ऑफ गुणतूर हु विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक अवे देम टू मद्रास. एंड क्वेश्चन नंबर फाइव. नेक्स्ट था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट इन द एंशियंट पीरियड. सो इसका आंसर है सी 1, 2 and 3. तक्षशिला और पेशावर में इमेजेस फाइंड आउट हुई हैं. ग्रीक मॉडल्स पर बुद्धा और बोधिसतास बने हुए हैं और इंडो ग्रीक रूलर्स ने नॉर्थ वेस्ट में रूल किया है जो कि तक्षशिला पेशावर वाला एरिया है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ इट इज सी 1, 2 and 3. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स. Why did Sanchi Stupa survive while Amravati did not? Choose the correct reason from the following points. तो इनमें से जो correct reason है, शाहजहां तो थे ही नहीं सांची को protect करने में, तो ये तो गलत हुआ. ठीक है, then Asiatic Society वाला भी point गलत है. Colin McKenzie वाला point भी गलत है क्योंकि ये तो Colin McKenzie नहीं थे, ये John Marshall थे. ठीक है, then the true point is scholar understood the value of preservation at site after the fall of Amravati. So the correct answer is D. ठीक है, then the mid first millennium BC was regarded as the turning point in the world history. Choose the incorrect option. इसका correct answer है option number B. People were curious about the meaning of life and rebirth. क्योंकि ये जो first वाला है ये तो direct तुम्हें फोर्थ चैप्टर में मिल जाएगा, ये सेम की सेम लाइन मिल जाएगी. ठीक है, इस लाइन के बाद यही वाली लाइन लिखी हुई है, ए पॉइंट वाली. ठीक है, एंड देन सी और डी भी तुम्हें चैप्टर नंबर थर्ड में मिल जाएंगे. तुम 16 महाजनपदा वाले उसमें जाओगे तो तुम्हें सी और डी भी मिल जाएंगे. ए वाला तुम्हें चैप्टर नंबर फोर में मिलेगा. ठीक है, इस वाली लाइन के जस्ट बाद है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड रीबर्थ. वेल, वी आर एट क्वेश्चन नंबर एट. इसका सही आंसर है सी. अलबरूनी उज्बेकिस्तान से थे. इब्न बतूता यहाँ से थे, मोरक्को से थे. मार्कोपोलो हमारे इटली से थे और जो अब्दुल रजाक है वो समरकांद से थे. तो करेक्ट आंसर हुआ 4, 1, 3, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. देन नेम द टू सिटीज ऑफ इंडिया विच इबन बतूता विजिटेड एंड फाउंड अ कॉस्मोपोलिटन कल्चर. दिल्ली एंड दौलताबाद. ठीक है, देन नेक्स्ट इज नेम द बुक रिटन बाय फ्रैंकोइस बर्नियर वाइल कंपेयरिंग मुगल इंडिया विद कंटेम्परेरी यूरोप. ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर. देन क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज यूज ओनली बाय विजयनगर रूलर्स एंड देयर फैमिली. आंसर सी हजारा रामा टेम्पल. देन फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस. हरिहर एंड बुखा फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336. सो आंसर इज हरिहर एंड बुखा. देन इन विच बैटल ऑफ विजयनगर रूलर रूटेड बाय कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा. करेक्ट आंसर इज राक्षसी तांगड़ी और तालीकोटा. 1565 डेट भी मैंशन कर सकती हूँ. ठीक है, then next is read the following information given below and identify and name the building of the Vijayanagar Empire. In इस description के हिसाब से इसका सही answer है Lotus Mahal.
Name the Italian traveler who provided a graphic account of cash and so and so. इसका करेक्ट आंसर है गियोवानी कारेदी. ये आपको मिलेगा फ्लो ऑफ सिल्वर वाले में जो चैप्टर 8 में है. ठीक है. देन 16 असर्शन एंड रीजन. अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर, देखो ये थोड़ा सा एम्बिगियस क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लॉर्ड डलहाउजी कंसिडर्ड किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आर माउथ वन डे. असर्शन रीजन आर सॉइल ऑफ अवध वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन. लॉर्ड डलहाउजी ने ये जो बोला था, एक अवध एक ऐसी चेरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन गिर जाएगी. ठीक है. यानी कि वो उसका रीजन ये कहने का इस वजह से था क्योंकि वो अवध को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे थे. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मी इसका रीजन होना चाहिए था बिकॉज दे वर प्लानिंग टू कैप्चर अवध सून. ठीक है. और अवध को कैप्चर करने का रीजन ये होना चाहिए था सॉइल ऑफ अवध वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन. ठीक है. इसके तीन चार रीजन थे, उसमें से एक रीजन ये था. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन 17th का जो आंसर है, इसका आंसर होगा नियो गोथिक स्टाइल. देन 18th का आंसर है डी. सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड. सबसे पहले इम्पोजिशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो कि 1801 में हुआ था. इसके बाद अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम जो कि 1829 में हुआ था. देन समरी रिवेन्यू सेटलमेंट 1856 में. एंड देन आफ्टर दैट आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 1857. सो द करेक्ट कोड इज सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड. आंसर इज डी. हिल स्टेशंस वर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट. नेम द अदर टू हिल स्टेशन कनेक्टेड विद ब्रिटिश नीड्स अदर देन शिमला. इसका करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग एंड माउंट आबू. देन इज क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज इज रॉन्गली मैच्ड. इसका करेक्ट आंसर है डी डच इन बॉम्बे. डच बॉम्बे में नहीं आए थे, डच मसूलीपट्टनम में आए थे. सो द करेक्ट आंसर इज डी. देन इज लेट्स हीड ऑन टूवर्ड्स सेक्शन नंबर बी मैनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन. अच्छा इससे पहले हम बढ़े तो इससे पहले मैं आपको सारे कोड्स एक साथ लिख करके दिखा देती हूँ. दीज आर द कोड्स जो कि एक साथ लिखे हुए हैं, यू कैन हैव अ लुक ओवर. ओके लेट्स हीड ऑन टूवर्ड्स सेक्शन नंबर बी. सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रिलीजन वाला. तो इसका आंसर होगा आपको मदर गॉडेस प्रिस्टकिंग सील्स के बारे में लिखना था. ठीक है. अगर आपने लिखा है तो आपके पूरे नंबर हैं. देन और करके एक ये था कि द लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिकेट रूरल वे ऑफ लिविंग. तो उसका आंसर यही जो एंड ऑफ सिविलाइजेशन वाला था वही लिखना था. अगर आपने वो लिखे हैं ये वाले पॉइंट्स तो पूरे नंबर है. देन व्हाट वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेड बिटवीन द वाइव्स ऑफ अकबर. तो उसके अंदर बेगम के बारे में लिखना था. अकबर नहीं, मुगल्स, बेगम, आघा और आघाचा, इन तीनों के बारे में बताना था ये कौन थी. और जैसे बेगम जो थी वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी, आघा नोट सो एरिस्टोक्रेटिक मतलब एरिस्टोक्रेसी से नहीं थी, और आघाचा और कॉन्क्यूबेंस. ठीक है. तो आपको इनके बारे में बताना था और ये बताना था इनको गिफ्ट रिसीव होते थे जो भी वो इंपीरियल हाउस होल्ड में जितना भी वाइज वाला है. अगर आपने वो लिखा है देन इट्स करेक्ट. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज डिस्क्राइबिंग थ्री फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. इसमें आपको ये लिखना था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का क्या सिस्टम था कि एक टैक्स परमानेंटली ही हम फिक्स कर देंगे, ये बताना था. और ये फिर इसके बाद बताना था कि क्या ऑब्जेक्टिव था. एक तो इकोनॉमी सुधर जाए, ऊपर से हमारे पास रिवेन्यू आता रहे, और ऑक्शन और तीसरा पॉइंट आप ये बता सकते थे कि ऑक्शन हो जाती थी. तो अगर ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं तो देन इट्स डन. देन क्वेश्चन नंबर 24. क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट. पहले इसमें आपको बताना था जयप्रकाश नारायण के बारे में और यंग लोगों ने क्या अपना योगदान दिया और इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश हो गई. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो तो
उसमें से अगर लिखा है क्विट इंडिया वाले में से जितने पॉइंट्स लिखे हैं देन इट्स ट्रू, ठीक है, करेक्ट। आफ्टर दैट हम सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। वेल, सेक्शन सी के क्वेश्चंस की ओर, महाभारत इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, सपोर्ट द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोरियंस। इसमें आपको वी एस सुधांकर वाला लिखना था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज महाभारत इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन किनशिप एंड सोशल रिलेशंस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। इसके अंदर आपको जहाँ महाभारत का कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है वो चीज़ बतानी थी, जैसे कि कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई, ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और ये तो लिखना ही था, ठीक है। देन द्रौपदी वाली चीज़ बता सकते थे, उसकी पॉली एंट्री। देन द्रौपदी को वो जो लोग जुए में हार गए थे वो चीज़ आप बता सकते थे, यानी कि महाभारत से जो स्टोरी रिलेटेड है और उसके जो इम्पैक्ट थे वो आप बता सकते थे। देन किस तरह से उनका रिलेशन ऑक्यूपेशनल और वो जो क्लासिफिकेशन कर रखा था वर्णा सिस्टम महाभारत से जोड़कर वो बताना था इसके अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ सूफिज्म। जितना भी ग्रोथ ऑफ सूफिज्म है अगर आपने इसमें वो लिख दिया है देन इट्स ओके। देन डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ सिखिज्म। इसमें बाबा गुरु नानक वाला सारा लिखना था, ठीक है, तो देन इट्स ओके। देन नेक्स्ट इज एग्जामिन द ओरल टेस्टिमनी एज अ सोर्स टू स्टडी द इंडियन पार्टीशन एक्सपीरियंसेस। सेकेंड लास्ट चैप्टर में थर्ड बुक के जितना भी वो ओरल टेस्टिमनीज है अगर आपने उसका सारा मटीरियल लिख दिया देन इट्स ओके, ठीक है। द नेक्स्ट वॉज एग्जामिन द हैरोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। इसके अंदर आप जेंडरिंग पार्टीशन में से कुछ लिखते कि किस तरह से विमेन को अबडक्ट किया जा रहा था और इसके बाद किस तरह उनको वापस भेजा गया, या फिर प्रिजर्विंग ऑनर वाले में से आप लिख सकते थे जैसे रावलपिंडी में कई विमेन ने अपनी जान दे दी थी कुएं में कूद कर। देन रीजनल वेरिएशंस में भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि कैसे नियर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया था हिंदू मुस्लिम्स का और कैसे वो बीच बीच में मारे जा रहे थे। देन यार पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स थे जिसको भी आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है। देन इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो ये पार्टीशन वाला चैप्टर है सोर्सेज जो थे तीन शुरुआत के सम पार्टीशन एक्सपीरियंसेस उनको भी आप लिख सकते थे। देन मतलब जितने भी लोगों के एक्सपीरियंस हैं वो आपको इसके अंदर लिखने थे। देन इस सेक्शन नंबर डी 28th क्वेश्चन 28.1 हाउ डिड क्वीन प्रभावती ट्राई टू अर्न रिलीजियस मेरिट बाय डोनेटिंग लैंड, ठीक है। 28.2 व्हाट वाज द अनयूजुअल एस्पेक्ट कि जो लैंड ग्रांट है वो एक वुमेन कर रही थी। उस वक्त विमेन का लैंड होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था जो कि अक्सर नहीं होता था और प्रभावती गुप्ता होल्ड भी किया उसने और उसने ग्रांट भी की, तो ये था अनयूजुअल एस्पेक्ट। देन 28.3 व्हाट डज द इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप। इस सोर्स के नीचे बुक में जो इस सोर्स के नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो सारा इसके बारे में है, नहीं इसके ऊपर वाला है, मैं आपको टेक्स्ट वैसे का वैसा दिखा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट इसका आंसर है। नाउ इज इरिगेटिंग ट्रीज एंड फील्ड्स। ये 29.1 का आंसर आपको सोर्स में मिलेगा, ये लाहौर वाला है, इसको जस्ट कॉम्पैक्ट करके लिखना था। देन 29.2 का भी सोर्स में ये जो आगरा वाला है इसको भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, वैसे कॉम्पैक्ट ही है लेकिन फिर भी थोड़ा कम करके लिख सकते थे। देन हाउ डिड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, हाँ इसकी बात हो रही थी, ये जो सोर्स है इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो आपको चिपका, ये वाला पैराग्राफ जो है कि आपको अपने वर्ड्स में या बुकिश लैंग्वेज में किसी में भी लिख दो तो ये आपको लिखना था, ठीक है। देन हम आगे सोर्स नंबर 12, इसका जो सही 30.1 का जो आंसर है उसमें सम लीडर्स ये जो इसके सपोर्ट में थे वो बी पोकर बहादुर थे, उनका आर्ग्यूमेंट लिखना था। 30.2 में यही लिखना था गोविंद वल्लभ पंत के बारे में, तो ये सोर्स को ही थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते। और 30.3 में आपको सरदार पटेल और आर वी धुलेकर जैसे लोगों का आर्ग्यूमेंट लिखना था। तो ये था हिस्ट्री के सॉल्यूशंस। और देखो यार अगर तुम्हें कहीं अपनी गलती दिख गई है तो उस पर वो मत करना, क्योंकि यार अगर तुम्हें दिख गई है तो क्योंकि जरूरी मतलब इट्स ओके, ठीक है, अपने आगे वाले उन पे फोकस करना और एक आधा नंबर कटता रहता है, ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे आंसर सारे मैच हो रहे हैं देन इट्स गुड,
मैप बेस्ड क्वेश्चन आई गेस मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो डाली थी और आई भी जनरल है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड इफ यू वांट अ लाइव सेशन फॉर द पॉलिटिकल साइंस यू कैन कमेंट मी एंड दिस थैंक यू.